अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल देसी परदेसी रेसिपी। आज हम आलू पालक पकोड़े बनाएंगे। आलू पालक पकोड़े बनाने के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए? ये हमारे पास एक कप पालक है, फिर मैंने काट के एक कप करके इसमें डाली है। एक अदद आलू है, 3 अदद सब्ज़ मिर्ची है, 2 अदद प्याज काट लिए, 1 कप हमारे पास बेसन है, 1/2 चम्मच नमक है, 1/2 चम्मच कुटी मिर्च है, 1/2 चम्मच मेथी है, 1/2 चम्मच पीसा हुआ धनिया है, 1/2 चम्मच साबुत धनिया है, 1/2 चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच हमारे पास अनारदाना है। आए भी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आलू को कद्दूकस करेंगे। ऐसे कद्दूकस कर लें, फिर मसाला बनाते हैं। आलू को हमने कद्दूकस कर लिए, अभी हम इसमें बेसन डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्ज मिर्चें, प्याज, पालक, सारे मसाले डाल देंगे इसमें। इसमें हम इतना सा बेकिंग पाउडर डालेंगे। ये बेकिंग पाउडर डाला है हमने एंड मैंने वॉश कर ली। अभी हम इसको मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम इसमें पानी डालेंगे। अभी हम इसको मिक्स करेंगे। ये मसाला हमने बना लिया, इसको 15 मिनट रेस्ट देते हैं, फिर इसको 15 मिनट बाद पकौड़े बनाएंगे। ऑयल हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल गर्म हो जाए फिर पकौड़े बनाते हैं, पकौड़े फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पकौड़े तैयार। ये हमारे आलू पालक के पकौड़े तैयार हैं। आप भी बनाएं, खाएं, हमें दुआओं में याद रखें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।